मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की प्रदेश की अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने निंदा की है। जो भी आंदोलन होंगे, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज भोपाल में एक दिवसीय आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसे कल अचानक अंतिम समय पर भोपाल पुलिस द्वारा अनुमति निरस्त कर दी गई थी, जिससे कर्मचारी हतप्रभ हैं। आखिर भोपाल पुलिस को कर्मचारियों से किस तरह की अशांति की आशंका थी, हम यह हमारी समझ से बाहर है। कर्मचारियों ने हमेशा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आंदोलन को इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलना उचित नहीं है। आज जो कर्मचारी किसी तरह से भोपाल पहुंचे थे, उन्हें भोपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ियों में भर करके विभिन्न जगहों पर दूर दराज जंगलों में ले जाकर सुनसान सड़कों पर ले जाकर छोड़ दिया गया, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं भी थी।